एक पुराने मंदिर में बहुत सारे कबूतर रहा करते हैं और मंदिर में काफी पुराना था तो मंदिर में भोज की तैयारी जब शुरू हुई तो मरम्मत की जरूरत महसूस हुई, रिपेयर वर्क। तो सारे के सारे कबूतर वहां से हट गए और एक चर्च की तरफ उड़कर पहुंच गए। अब चर्च में उन्हें पनाह मिल गई और वहां के जो पुराने कबूतर थे जैसे उन्हें वेलकम कह रहे हो। सारे कबूतर एक साथ जीने लगे। पर फिर क्रिसमस आई और क्रिसमस के लिए पूरी चर्च को सजाना भी था। सजावट का काम जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारे के सारे कबूतर वहां से हटके एक मस्जिद की ओर उड़ कर गए। अब वहां पर भी जो कबूतर थे उन्होंने भी इन नए कबूतरों को पनाह दी। सब साथ मिलकर रहने लगे और फिर रमजान का महीना आया। रमजान के महीने से बिल्कुल पहले उस मस्जिद को, उसकी दीवारों को पेंट करने की जरूरत महसूस हुई। तो ये सारे कबूतर वहां से उड़ के एक साथ मिलकर उसी पुराने मंदिर पहुंच गए। और एक दिन उस मंदिर के नीचे मंडी में धर्म के नाम पर सारे मनुष्यों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। एक बेबी कबूतर ने अपनी मम्मी कबूतर से पूछा कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, ये कौन है? मम्मी कबूतर ने जवाब देते हुए कहा कि बेटा ये सारे मनुष्य हैं। तो बेबी कबूतर ने पूछा लेकिन इनके लड़ने का कारण क्या है माँ? तब माँ कबूतर ने समझाते हुए कहा कि देखो जो मंदिर जाते हैं वो हिंदू हैं, जो चर्च जाते हैं वो क्रिश्चियंस हैं और जो मस्जिद जाते हैं वो मुसलमान हैं। माँ कुछ आगे बोल पाती उससे पहले कबूतर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ हम जब मंदिर में रहते थे तभी हम कबूतर थे, जब हम चर्च में जाके रहने लगे तभी हम कबूतर थे और मस्जिद में रहते थे तभी कबूतर, तो ये तो सारे मनुष्य ही हुए ना, चाहे कहीं भी जाए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन क्या है ना कि उनके और हमारे बीच में फर्क है। हमें ऊपर वाले का साक्षात्कार हो चुका है तभी हम ऊपर उड़ चुके हैं और आसमान में घूमते हैं। ये नीचे वाले लोग सिर्फ नीचे रह गए हैं क्योंकि इन्हें अभी प्रभु का साक्षात्कार होना बाकी है। हम दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं और ये नीचे रहते हैं, यही लड़ते हैं और यही मरते हैं। अर्थात इससे सुंदर कहानी हो ही नहीं सकती जो हमें सिखा जाए कि जियो और जीने दो एंड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स फेथ। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरी इसी ओनली एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रखती हूँ। जरूर से मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं अपनी एक कहानी रखूं तो आपको पता चल जाए। अर्चना की ओर से सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो सारू छे विश्व आखुई मारू छे हाउ यू फाइंड द एंटायर वर्ल्ड इज माइन, इसका सिंपल ट्रांसलेशन अर्चना की ओर से। मुँँ.